गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6। आज हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के फॉर्मेटिंग एमएस पावरपॉइंट 2013। पहला क्वेश्चन है आपका, विच बटन इज यूज टू अप्लाई शेडो इफेक्ट टू टेक्स्ट। ऐसा कौन सा बटन है शेडो इफेक्ट में जो टेक्स्ट को इफेक्ट करता है। सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन शेडो बटन। पहले हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद शेडो बटन पे क्लिक करेंगे, तब आपका जो टेक्स्ट है वो शेडो के साथ दिखाई देगा। इट मीन्स टू से उस पर एक छोटी हल्की सी परछाई भी आएगी आपके टेक्स्ट के अंदर जो भी आपने बनाया है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन 3 टॉगल बटन्स यूज इन एमएस पावर पॉइंट 2013। यहाँ पे हमें 3 टॉगल बटन्स के नाम लिखने हैं जो एमएस पावर पॉइंट के अंदर यूज होते हैं। पहला है कमांड बटन, क्लिक द कमांड बटन। सेकंड, स्पिन बटन। थर्ड इज चेक बटन। ये तीनों के तीनों हमारे टॉगल बटन्स हैं जो हमारे स्लाइड्स को मूव करने में हमारी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। राइट द स्टेप्स टू चेंज द कलर स्कीम ऑफ योर स्लाइड। ऐसे कौन से स्टेप्स लिखने हैं हमें जो हमारी कलर स्कीम स्लाइड्स पे चेंज हो। पहला स्टेप है ओपन एनी प्रेजेंटेशन, कोई भी प्रेजेंटेशन हम ओपन करेंगे। क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब, उसके बाद हम डिज़ाइन टैब में जाएंगे। स्टेप क्लिक टू, क्लिक ऑन द कलर्स ऑप्शन एंड अप्लाई एनी कलर स्कीम। ये मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ अपने सिस्टम में। कलर स्क्रीन में जाएंगे यहाँ से हम। होम में जाके दिए गए हैं। ये थीम्स है हमारी, ये हमारे कलर्स। जो भी आपको यहाँ से पसंद है वही इफेक्ट आप अपनी स्लाइड्स पे अप्लाई कर सकते हो। एनी थीम कलर स्कीम यहाँ पे बन के आएगा, वही हमारा यहाँ आके अप्लाई हो जाएगा। फिर से हम वहीं जाएंगे जहाँ हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। वी आर डिस्कसिंग इन नोटपैड। हम नोटपैड के अंदर अपने क्वेश्चन नंबर 4th पे आएंगे। वट इज़ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है? एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ ए टेक्स्ट इन ए स्लाइड। सिधाई को नापता है स्लाइड की। यहाँ पे हमारे पास 2 अलाइनमेंट है, एक राइट अलाइनमेंट एक लेफ्ट अलाइनमेंट, जिसमें हम अपने टेक्स्ट को राइट और लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं अलाइनमेंट के थ्रू। व्यू में हम फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे हम अपने टेक्स्ट को, अलाइनमेंट टेक्स्ट, टॉप मिडल जो भी आपको चाहिए उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। बॉटम में शिफ्ट हो जाएगा।
यहाँ से भी अब अलाइनमेंट हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आपके अलाइनमेंट। फिर अगेन वी आर गोइंग हेयर चैप्टर क्वेश्चन नंबर राइट अलाइनमेंट, इट अलाइनमेंट्स टेक्स्ट टूवर्ड्स द राइट मार्जिन, लेफ्ट अलाइनमेंट इट अलाइनमेंट्स टेक्स्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट मार्जिन। यानी अलाइनमेंट को अगर हमें राइट में शिफ्ट करना है तो राइट में हो जाएगा, लेफ्ट में लेफ्ट मार्जिन की साइड करना है तो वहाँ हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई फॉर्मेटिंग इफेक्ट इन एमएस पावर पॉइंट 2013, अप्लाई कैसे कर सकते हैं फॉर्मेटिंग को इन आवर पावर पॉइंट में। फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स आर यूज टू ऐड और मॉडिफाई टेक्स्ट इफेक्ट्स। ये क्या करेगा, आप जो भी अप्लाई कर रहे हो फॉर्मेटिंग बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सारे के सारे आपके फॉन्ट्स हैं तो उसमें हम चेंज कर सकते हैं जो हमारे टेक्स्ट पे इफेक्ट करेगा। हेयर आर सम स्टेप्स टू अप्लाई फॉर्मेटिंग, यहाँ पे कुछ एक फॉर्मेटिंग स्टेप्स दिए गए हैं। पहले हम सेलेक्ट करेंगे अपने टेक्स्ट को, उसके बाद क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब, फॉर्मेट टैब में जाएंगे, उसके बाद क्लिक द टेक्स्ट इफेक्ट्स कमांड इन द वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप, सेलेक्ट द डिजायर्ड इफेक्ट एनी प्रेजेंट। यहाँ पे पर करके दिखा देती हूँ मैं आपको किस तरह से होगा ये। सेलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट फिर से बता देती हूँ, राइट में, मिडल में, सेंटर में, राइट में, इस तरह से शिफ्ट होगा। और फॉर्मेटिंग के लिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्मेट टैब में जाके क्लिक ऑन द टेक्स्ट इफेक्ट, फॉर्मेट टैब का ये आपके फॉर्मेट टैब है। इस तरह से कर सकते हैं, और शेडो डालनी है तो शेडो भी यहाँ से, रिमूव करनी है तो हटा सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट वर्ड तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे जिन्हें आपने अपनी नोटबुक में भी करना है। यहाँ पे हमें वर्ड आर्ट स्टाइल दिया गया है जहाँ पे हमें बहुत सारे स्टाइल हैं प्रोवाइड किए गए हैं दिए गए हैं, जो भी आप अप्लाई करते हो इट विल इंटरचेंज इन आवर टेक्स्ट, वो हमारे टेक्स्ट पे आके अप्लाई हो जाएगा और आपका टेक्स्ट एक स्टाइलिश वे में आ जाएगा। तो आज की आपका होमवर्क है कि आपको स्लाइड्स बनानी है 3, जिसमें आप ऊपर साथ के साथ आपको क्वेश्चन आंसर्स राइट करने हैं नोटबुक पे। ओके बेटा, आपको स्लाइड्स नहीं बनानी है, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में राइट डाउन करने हैं।